हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू फिट फॉर हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा क्या है, कब डोनेट किया जाता है, तो चलिए करते हैं शुरू। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर बेजोड़ कोशिश भी की जा रही है, वे इसी के साथ अलग अलग पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस बीमारी से लोगों की जान बचाई जा सके। उन्हीं में से है एक प्लाज्मा थेरेपी। आइए हम जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में खून मौजूद तरल पदार्थ होता है, यह पीले रंग का होता है। इसकी मदद से सेल्स और प्रोटीन के विभिन्न अंगों में खून पहुंचाता है। शरीर में इसकी मात्रा 52 से 62% तक होती है, वही रेड ब्लड सेल्स 38 से 48% तक होता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? जो व्यक्ति COVID-19 से ठीक हो गए हैं, उनकी बॉडी से खून निकालकर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। जिस कोविड पेशेंट की बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज होती है। वह एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ने में मदद करती है। यह एंटीबॉडीज कोविड संक्रमितों को दी जाती है। डॉक्टर के मुताबिक एक इंसान के प्लाज्मा से दो इंसानों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा कब डोनेट किया जा सकता है? कोविड से ठीक होने के 2 सप्ताह यानी 14 दिन के बाद आप रक्त डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा कौन डोनेट नहीं कर सकता? डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी लीवर के पेशेंट प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा से रिएक्शन का खतरा भी रहता है। इससे एलर्जी रिएक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आज की स्थिति में प्लाज्मा से कोई लोग ठीक हो रहे हैं। यह समस्या बहुत दुर्लभ स्थिति में हो रही है। इटली में प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी में क्या अंतर है? दोनों आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करती है, लेकिन तरीका अलग अलग है। जी हाँ, वैक्सीन किसी वायरस को अपनी बॉडी में फैलने से रोकने में मदद करती है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसका परीक्षण कर इसे बनाया जाता है। करीब 1 साल या उससे अधिक समय भी लग जाता है। प्लाज्मा किसी व्यक्ति के बॉडी में तैयार एंटीबॉडीज की मदद से दूसरे की बॉडी में दिया जाता है। इससे कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का इलाज किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किन किन देशों में किया जा रहा है? प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल आज के वक्त में भारत सहित अन्य 20 देशों में भी किया जा रहा है। उनमें से हैं अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और इटली प्रमुख देश हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।